Chetan. In this video, I'm gonna show you how to add the fire effect on your videos. So first of all, आपको first of all जाना है आपके YouTube पे, जो कि सबसे easy तरीका है guys, ये जो कि fire effect जो कि आपको चाहिए आपके video में, तो सबसे easy तरीका है, मतलब आप KineMaster से edit कर सकते हो. तो सबसे पहले YouTube पे आपको search करना है green screen fire effects. तो देखिए green screen fire effects, आप जैसे ही क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो बहुत सारे फायर इफेक्ट जो आपको चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए स्मोक एंड फायर इफेक्ट, जो भी आपको चाहिए, स्मोकिंग भी डाल सकते हो जैसे कि आप. तो कई बार क्या होता है KineMaster में अपन स्मोकिंग इफेक्ट्स वगैरह ऐसे इफेक्ट्स मिलते नहीं है जल्दी, तो अपन इसमें से भी डाल सकते, इसे ऐड कर सकते हैं बहुत तरह तरह के. तो मैं फ़िलहाल ये कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कैसे ऐड किया जाता है KineMaster में. तो बहुत इजी है गाइस, लेट मी शो यू. पहले तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. तो ये देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है. तो मैं अभी जाऊँगा KineMaster में, तो आपको भी यही करना है, पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर अपन KineMaster में जाएंगे और नॉर्मल सा एक वीडियो लूँगा मैं कोई भी, जो कि जैसे कि मैंने ये ट्रेंडिंग वाला वीडियो लिया है, जैसे कि ये एक वीडियो है, तो मैं इस पर लगाने की कोशिश करूँगा फायर इफेक्ट. तो ये एक वीडियो है. तो सबसे पहले जाना है आपको लेयर पे. तो लेयर पे जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो सबसे टॉप पे मीडिया का ऑप्शन है, तो मीडिया पे क्लिक करो तो फिर से आपको शो करेगा ये सब. तो सबसे पहले आपको जो डाउनलोड किया है अभी रिसेंटली आपने जो डाउनलोड किया है फायर इफेक्ट, तो उसको आप ढूंढ के, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था इसमें से, तो मैं देखता हूँ इसमें है क्या, इसमें नहीं है, मैं डाउनलोड में जाऊँगा. लेट मी शो यू. हाँ तो ये जो हाँ था मैंने डिलीट किया हुआ, सॉरी डाउनलोड किया हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा. तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा. तो जैसे ही ये जो फायर इफेक्ट है, तो आपको अभी ग्रीन स्क्रीन हटाना है, तो ओनली फायर आपको रखना है. तो आप कैसे करोगे, तो उसको उस पर क्लिक करो, जो लेयर आपने सिलेक्ट किया है फायर वाला वीडियो, तो उस पर क्लिक करो. उसको क्लिक करने के बाद ये बाद में एडजस्ट कर लेना, पहले अपन तो ग्रीन वाला हटा देते हैं. तो ग्रीन हटाने के लिए नीचे आपको स्क्रॉल करो, उसके पे क्लिक करके स्क्रॉल करके आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है क्रोमा की करके. तो ये क्रोमा की को अपन सिलेक्ट करेंगे और क्रोमा की को अनेबल करेंगे. जैसे ही आप अनेबल करोगे तो ये देखो कुछ थोड़ा सा आपको खाली एडजस्ट करना है. देखो मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको. तो ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया और आपको जैसे कि ये देखो थोड़ा थोड़ा ग्रीन इफेक्ट से थोड़ा चेंज करने का अपन कलर, जैसे कि ग्रीन है तो ग्रीन में ही अपन थोड़ा अलग ग्रीन ले लेंगे. तो देखो ये पूरा तरीके से हट चुका है ग्रीन. हाँ तो अभी देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. मैं थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेता हूँ. जैसे कि मैंने एडजस्ट कर लिया, अभी वीडियो प्ले करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दिख रहा है फुल वीडियो. आपने देखा किस तरह से पूरा अपना वीडियो कितने अच्छे से दिख रहा है, अपना पूरा ग्रीन जो था बैकग्राउंड वो पूरा चला गया है. इसी तरह से आप भी कर सकते हो. आपको चाहिए तो ये जो साइड में है ग्रीन, इसको आप घुमा भी सकते हो. जैसे कि आपको इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से भी घुमा के आप रख सकते हो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. देखो ऐसे घुमा के रख दिया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. तो जस्ट मैंने खाली एग्जांपल के लिए एक वीडियो लिया था, जैसे कि खाली सैंपल के लिए. तो आप अपने कोई भी वीडियो पे ऐसा फायर इफेक्ट या स्मोक इफेक्ट डाल सकते हो. मैं अगले वीडियो में स्मोकिंग का या फिर ब्लैक बॉर्डर का दिखाऊंगा. तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जो कि जिसको नहीं आता है. तो KineMaster के ट्यूटोरियल्स भी अब मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा अपने चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर. मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.